लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह आयोजन मानपुर के गांधीनगर में संपन्न हुआ। उक्त कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद लोजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने लोजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हुए कहा कि आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग केवल वोट बैंक बनकर रह गए हैं। उनके साथ केवल सभी पार्टियों ने छल करते हुए सत्ता का सुख स्वयं भोगने का काम किया है। आज नीतीश सरकार ने शराबबंदी के नाम पर हजारों महादलितों को जेल भेजने का काम किया है। सड़क से सदन तक कोई भी गरीब मजलूम अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता है। अगर आप किसी तरह का आंदोलन करते हैं तो आपको सरकार विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए आप पर FIR दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि गया में गंगा जल नहीं आर्सेनिक उक्त गंदा जल लाया जा रहा है और इसके लिए इतना ढिंढोरा पीटा जा रहा है जैसे यह गंगोत्री से गया लाया जा रहा हो। दस वर्षों से लगातार कह रहा हूं कि वैज्ञानिक परीक्षण के बाद ये बात आई कि जो गंगा से पानी लाया जा रहा है उसमें आर्सेनिक है, इसमें चर्म रोग होगा। ये बड़े मेडिकल के माफियाओं के दवा के व्यापारी हैं, जैसे कोरोना में इन्होंने किया है। आज उस पर चर्चा करने का वक्त नहीं है, लेकिन जब इन्होंने कहा तो उसका मुझे चुनौती है। साइंटिफिक कितना NGO ने संघर्ष किया है, ये नहीं आना चाहिए। एक तरफ तो हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी है और वो गंगा के पानी में आर्सेनिक है जो जहर है, और फल्गु के पानी में ये जो पठार से निकलता है वो झारखंड से ये बहुत दूरी तक, इससे गया से ऊपर जाइएगा उस पानी के सल्फर का पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके भोजन पर है। ये राजगीर में पहुंचाया है, वहां कुंड का पानी इतना बढ़िया है और दूसरे तरफ जो झरना है कुंड है उसमें फर्स्ट ये और उसमें चर्म रोग ठीक होता है। नीतीश कुमार जो पानी पहुंचा रहे हैं इसमें चर्म रोग होता है। सिंबॉलिक रूप से पटना जिला के लोग राज्य कार्यालय में मनाएंगे और कल पार्टी का 23वां स्थापना दिवस है। पार्टी का एक संकल्प है और जैसा कि हमारे नेता ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी और उसका वैचारिक संगठन जो है लोक सेवक रामविलास पासवान स्मृति मंच, ये सब हम अपने कार्यकर्ताओं को प्रौढ़ बनाने का अभियान शुरू किए। उस पर विस्तार से हमारे नेता ने आपको बताया, कल स्थापना दिवस है और कल हम सब लोग संकल्प लेंगे कि 2025 में हम चिराग पासवान को मुख्यमंत्री कैसे बनाएंगे और बनाने का संकल्प लेंगे और उस पर काम शुरू करेंगे।